Now the question number 20 is there on the board. What it is saying? The outside or the inside lining of a body organs formed by. हमेशा याद रखिए, अगर हम लाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही मेनली याद रखना है, वो है एपिथीलियम, लियम, लाइनिंग. एल फॉर लियम, एल फॉर लाइनिंग. इनर वॉल की बात करें, आउटर रीजन की बात करें, हमेशा हमें एपिथीलियल टिश्यू को ही याद रखना है. डक्ट की लाइनिंग हो, हमारे बॉडी की बाहर लाइनिंग हो, जैसे स्किन है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम है, तो किसी भी हॉलो ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग हो, ठीक है, ट्यूब्स की लाइनिंग हो, जैसे नेफ्रॉन है, सभी जगह एपिथीलियल सेल्स पाए जाएंगे. ठीक है, न्यूरल टिश्यू तो इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करेगा, मसल टिश्यू कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा मूवमेंट में हेल्प करेगा, और उसके अलावा वेरिएबल एंड डिफर फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. आंसर क्या होगा? हमारे बॉडी ऑर्गन्स की लाइनिंग कौन बनाएगा? एपिथीलियम बनाएगी. ठीक है,